रायगढ़ याहर के जूट मिल थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नेता नार के पास बीती रात एक अज्ञात महिला और बच्चे को अज्ञात लोगों द्वारा पैरावट में जलाकर मारने की घटना प्रकाश में आई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर जूट मिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस डॉग स्क्वाड ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास थाना प्रभारी जूट मिल के द्वारा मुझे भी सूचना दी गई कि नेतनागर के हाईवे से लगभग 20 मीटर अंदर एक बाड़ी में पैराहट में आग लगी थी, जहां पे जब गांव वाले उसे बुझाने के लिए आए तो वहां पे 2 डेड बॉडी दिखी, जिस पर तत्काल जूट मिल से थाना प्रभारी और मेरी टीम पहुंची और उन्होंने देखा कि एक महिला और एक बच्चे का डेड बॉडी है, जो कि आधे जो है जली हुई अवस्था में मिली है। तो उसके बाद तत्काल जो है घटनास्थल को फिर प्रिजर्व किया गया, फिर FSL की टीम को बुलाई गई और FSL की टीम के द्वारा पूरा परीक्षण करने के बाद नेतनागर के गांव के जितने भी जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा मौके पे उनसे बातचीत करने के बाद फिर उसकी पंचनामा किया गया। पंचनामा के पश्चात दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक जो महिला है और जो बच्चा है उनका कोई शिनाख्तगी नहीं हुई है। अपील है कि जो अगर आसपास कोई मिसिंग है तो कृपया उन्हें ज़रूर क्लेम करें, ताकि हम आगे का हमें विवेचना में जो है सहयोग मिलेगा। लेकिन उसके जैसे ही ये सूचना मिली, अभी हमने 3 टीम बना दिया है। एक साइबर की टीम हमारे टावर डंप और बाकी ये टेक्निकल एविडेंस पे काम कर रही है, और दूसरा जो हमारे आसपास हाईवे से संबंधित है उसमें भी हमारी टीम अब काम करने शुरू कर दी है। और जैसे हमें पहचान मिलेगी हो जाएगी तो और भी हमें जो है वहाँ तक, ताकि उनके परिजन तक पहुँचा जा सकेगा। और जब पोस्टमार्टम के पश्चात उनके कपड़े या जो कुछ अभी बचे हैं उनके आधार पे हम सभी से अपील करते हैं कि अगर वो पहचान हो तो तत्काल हमें ज़रूर पुलिस को सूचना दें, ताकि हम आगे उन पर विवेचना कर सकें। सर, FSL की टीम ने सिर्फ चोट की पुष्टि की है। जी बिल्कुल, वो प्रत्यय दिख रहा है कि उसके सिर में जो चोट लगी है, महिला के सिर में चोट लगी है, लेकिन बच्चे का किस तरह से उसका मृत्यु हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं है, जो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया वो हत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी गाड़ी से, जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने देखा है कि एक जब गाँव से हमारे लोग जब जगे तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी जो है भागी, तेज से भागी, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरे उसकी हत्या कहीं और की गई है और यहाँ पे उस डेड बॉडी को जो है साक्ष्य छुपाने के लिए उनको पैराहट में जो है जलाने का प्रयास किया गया है। अगर यहाँ पे हत्या होती तो ज़रूर कोई ना कोई खून के निशान या और कुछ ना कुछ घटनास्थल पे हमें मिलते, जो अभी तक नहीं मिला है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो सारे पहलुओं पर अब हम लोगों ने जाँच करना शुरू कर दिया।